नमस्कार, मैं दीप्ति शर्मा कैंटरबरी परिवार की ओर से आप सभी को गुरु पर्व की बधाई देते हुए अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सिख पंथ के संस्थापक और सूफी कवि गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा सन 1469 को पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का नारा दिया था जिसमें कहा था, सबका पिता वही है इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए और गरीबों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने जब मक्का मदीना की यात्रा की तो वे बहुत थक गए और जब वे हाजियों के द्वारा बनी हुई आराम गाह में काबा की तरफ पैर करके लेट गए तो उनके सेवक ने जब उनके पैर उल्टी दिशा में किए तो वे हैरान रह गए कि काबा भी उसी तरफ था जिस तरफ उनके पैर किए गए थे। तब गुरु नानक देव जी ने उनको समझाया कि भगवान को, अल्लाह को याद रखो और अच्छे कर्म करो, इसी में सबका सदका है। गुरु नानक देव जी ने जात पात को दूर करने के लिए व सभी को एक दृष्टि से देखने के लिए लंगर की प्रथा शुरू की जिसमें सभी छोटे बड़े, अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं, गुरुद्वारों में जाकर सेवा प्रदान करते हैं। इस दिन प्रभात फेरियाँ भी निकाली जाती हैं जिसमें पानी और शरबत की व्यवस्था की जाती है। इस तरीके से गुरु पर्व को मनाया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।